तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड धाम परिसर में लगे पीपल का वर्षों पुराना विशाल पेड़ जो काफी साल पहले सूख चुका था, बारिश होने के कारण जर्जर हो चुका था और रविवार को सुबह अचानक गिर गया। पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया और मृतक के परिजनों की तलाश की गई तो पता चला कि मृतक गोरखनाथ थाना क्षेत्र के बिलंदपुर खत्ता निवासी स्वर्गीय राजाराम यादव का 24 वर्षीय पुत्र मटेलू है। स्थानीय लोगों की माने तो मृतक अच्छे स्वभाव और मिलनसार व्यक्ति था। परिवार में तीन भाइयों में सबसे छोटा मृतक पशु आहार केंद्र पर काम करके परिवार का गुजर बसर करता था। मृतक की एक छोटी बहन है जिसकी शादी पहले ही हो चुकी है। दो बड़े भाई कोयल और कल्लू दैनिक मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। मुफलिसी की जिंदगी गुजर बसर कर रहे मृतक के परिवार वालों ने जिम्मेदारों से मदद की गुहार लगाई है। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि महानगर में बहुत से जर्जर पेड़ हैं जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं, जिसकी खबर गोरखपुर न्यूज पहले ही दिखा चुका है। नगर निगम प्रशासन एवं वन विभाग अगर इन जर्जर पेड़ों को वक्त रहते काट दिया होता तो आज रक्षाबंधन के दिन एक भाई अपनी बहन से नहीं बिछड़ता। स्थानीय लोगों ने जिला और नगर निगम प्रशासन से गुहार लगाई है कि सूरजकुंड परिसर में पीपल के जर्जर पेड़ को काटकर ठिकाने लगा दिया जाए, नहीं तो कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों और मृतक की बहन ने कहा, अचानक पेड़ गिर गया, इसमें तत्काल दब गए और दूसरे लोग घायल हो गए। यही जगह है माया देवी। यहाँ पे कितने दिन से आप? हम बहुत दिन से, आज हमारा छोटा या जवानी बुढ़ापा सब यहाँ पर बीत गया। हाँ, क्या हुआ है? यहाँ गिरा है पीपल, यहाँ दो लोग अमरुद बैठ कर खा रहे थे, जब गिला उसी के नीचे दब के मर गए। कितने बजे की घटना है? 8:30 बजे। कौन सा जगह है ये? सूरजकुंड धाम। हाँ, कोई नहीं सुन रहा था। हाँ, ये लोग अलाउ किए लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। उसके दत्खा काटने वाले कोई नहीं, एप्लीकेशन भी पड़ा बहुत लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ब्रजेश कुमार है नाम हमारा है सर। ब्रजेश जी, कौन सी जगह है और आज क्या हुआ है? ये सूरजकुंड धाम सरोवर है, ऐतिहासिक पौराणिक धर्म यह है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से ये पेड़ सूखा हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया गया, नगर आयुक्त को जो है नगर निगम भी एप्लीकेशन दिया गया ताकि ये किसी भी आने जाने वाले के ऊपर ये पेड़ गिर सकता है। देखिए आज ये घटना घट गई है। हमारे ही बगल का अचानक दुकान पे काम करने वाला टमलू नाम का लड़का है, सुबह बैठ के यहाँ पे अमरुद खा रहा था, एक बैग पेड़ गिरा, दब के एक्सपायर कर गया। हम अनुरोध करना चाहते हैं नगर निगम अधिकारी को और वन विभागों को, जितने हमारे दरखास्त पड़े हैं उनको गौर करते हुए इसको पुनः कटवा दिया जाए, तत्काल कटवा दिया जाए ताकि आगे ये घटना न घटे किसी के साथ। आज सुबह दो लोग बैठे थे और यहाँ खा रहे थे, अमरुद खा रहे थे, अमरुद खाने के बाद ये जर्जर पेड़ गिर गया।
पानी उनी से, कल पानी गिरा था उसी में पेड़ गिर गया, उसी में एक लोग दब के मर गए, एक लोग घायल हैं। आधी उधी भी कोई आया था? आधी नहीं, कोई आधी ना, हवा कोई नहीं था। हाँ कोई नहीं था, हवा ना, आधी ना हवा एकदम साफ था मौसम ना। आधी स्थिति क्या है, क्या चल रहा है? स्थिति यही है कि नगर निगम चाहे तो पेड़ कटवा सकता है, नगर निगम और लोग घायल हो जाएंगे, ये तार भी जाएगा। ये सूरजकुंड धाम है। क्या नाम है? रीता। रीता, आज रक्षाबंधन है जी, और क्या हुआ है आज आपके पास? आज रक्षाबंधन है, मतलब हम सफर रहे थे आने के लिए, उसको राखी बांधने के लिए चाय पी के खाना ना खा के गया पेड़ तर बैठना, 8 बजे घटना हुई है। कहाँ पर घटना हुआ? सूरजकुंड पे। कैसे हुआ? वो सुबह मतलब बैठे थे, उसी पर चाय पानी पी के पूरा गए थे, उसके पास पेड़ पर तो बैठे, उसी तरह बस पेड़ अपने आप गिर गया उनके ऊपर। तीन लोग थे और दो भाई। तो अभी क्या स्थिति है भाई की आपकी? खत्म हो गया है, वो नहीं है, गरीबी है हम लोग तो, कुछ तो चाहिए, गरीबी है हम लोग, कुछ चाहिए जरूर। पारो देवी नाम है हमारा, और हमारे भाई को घर से चाय पी कर निकला है और पेड़ के नीचे जाकर बैठा, पेड़ सूखा था, फट के गिर गया, और हम सोचते हैं कि पेड़ कटवा लें लोग, ऐसे किसी के साथ में और हादसा हो सकता है, और हमको कुछ मिलना चाहिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, न्याय चाहिए। और हमारा भाई तो हो गया, दो बच्चे और उसके साथ में थे, वो तो घायल हैं, बाकी हम लोग गरीब आदमी हैं तो हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? वही खुद ही की दुकान पर रहते थे, वही खिलाते थे कमा करके। एक पुरनिया माँ है, एक बहन है, दो भाई हैं, उनका रहने के घर भी नहीं है, यही है, वही कमा खिलाते थे। और पेड़ जहाँ भी हैं वो लोग कटवा लें, जाए जिसको चाहिए, उसका मालिक लोग जहाँ के हैं, सरकार लोग हैं, वो सब पेड़ कटवा दीजिए, ऐसे किसी के बच्चे के साथ में हादसा हो सकता है वाला। हमारा तो रूठ गए, हमारा तो कोई नहीं बचा इस समय, यही बात है सर जी। आज रक्षाबंधन? हाँ आज रक्षाबंधन की, नहीं नहीं घर पर नहीं आए, तो वही खुद ही की दुकान से वहीं गए, वहीं चाय पिए, वहीं बैठे, घर पर आए भी नहीं है, सुबह में घर पर नहीं आए थे, वहीं खा करके वहीं गए, वहीं बैठे, वहीं तुरंत पेड़ गिरी अपने आप, ऑटोमेटिक सूखा था। कुछ लोग घायल भी है क्या? हाँ, दो तीन बच्चे घायल हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा, वो लोग भर्ती हैं सदर में।